चलो बच्चा पार्टी, तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे वही कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने आगे जो है वो बात की कि सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने आपको बोला कि एट अ पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी आर कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, ऐसा कोई पॉइंट है कि जहाँ पे टोटल मास जो है वो बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ है, वो पॉइंट पे सभी मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसी कोई बॉडी है, ऐसा कोई मास है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। तो आगे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया कि भाई m into a is equal to dp1 by dt plus up to dpn upon dt। ओके, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये जो है वो हम लोगों को मिलेगा, ये क्या मिलेगा, f एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आप लोग जो कोई भी बॉडी पे आप जो क्या कर रहे हो, कोई भी बॉडी पे फोर्स जो है वो जनरेट कर रहे हो या कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, वो टोटल फोर्स जो है वो बॉडी के बॉडी पे कहाँ पे लगेगा, तो वो टोटल फोर्स जो है वो बॉडी पे लगेगा उसका जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है वहां पे। आप चाहे उसको कहीं से भी फोर्स क्यों ना लगा रहे हो, पर उसका जो टोटल फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर टोटल फोर्स जो है उसका कहाँ पे लगेगा, जो टोटल फोर्स जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो उसका जो टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स एप्लीकेबल होगा, टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा एट अ सेंटर ऑफ द सिस्टम, एट अ सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये जो है वो हम लोगों को डिस्कशन करना था, ये थोड़ा सा बाकी रह गया था आगे। तो एक स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को दिया हुआ होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें, बेटा उसमें देख लेना, आई थिंक स्टेटमेंट जो है वो ऐसा कुछ होगा कि भाई मास, सॉरी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑफ अ पार्टिकल मूव्स एज इफ all the mass of the system was concentrated at the center of mass and the, all the external forces were applied at the point of center of mass। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ होगा, जो अभी मैंने आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट है और नया कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा बोला गया है कि ऐसा बताया गया कि भाई ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आप लोग लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आप लोग लगा रहे हो, वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा अपना कहाँ पे, कि जहाँ पे बॉडी का टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ है, कहाँ पे लगेगा, कि जहाँ पे बॉडी का जो है वो टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ है, ऐसे कोई पॉइंट्स पे हमारा टोटल ये जो है वो क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगेगा और उसी के रिस्पेक्ट में अपनी बॉडी जो है वो मोशन कंडीशन में होगी। ओके, फिर से हम लोगों को एक चीज मालूम है कि बॉडी जो है उसको मोशन करवाने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स चाहिए 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 ही। तो एक्सटर्नल फोर्स आप लोग जो यहाँ पे लगाओगे बेटा, वो एक्सटर्नल फोर्स आपको उसी के रिस्पेक्ट में मिलेगा कि जहाँ पे ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कहाँ पे लग रहा है, तो वो टोटल जो अपना एक्सटर्नल फोर्स है उसकी बात करें तो वो टोटल अपना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ओके, विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। ओके, चलो आगे डिस्कशन करते कि यहां से हम लोगों ने एक जो है वो नोटिस किया कि भाई डिटरमिनेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे टोटल फोर्स जो है वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो टोटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है एट अ सेंटर ऑफ मास, सो दैट यहाँ पे टोटल बॉडी में जो हमारे डिफरेंट 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 साइड से, सभी साइड से जो भी जितने भी फोर्स आ रहे हैं, वो सभी फोर्स को यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट डिस्कशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस विच इज प्लेस इन साइड दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल डजंट रिक्वायर्ड to us for determine the concept of the center of mass of body, या फिर to determine the total force, या फिर to determine the motion of the body। Okay? चलो, तो motion of body जो है उसको determination करने के लिए, उसको find out करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को कोई भी जो है वो extra forces या फिर inside जो particle में जितने forces लग रहे हैं वो force के हम कहें कुछ भी जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ उतना ही फोर्स जो है वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे जितने फोर्स जो है वो कोई भी फोर्स अपना सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है वो। ओके, तो सेंटर ऑफ मास पे अपना जितना भी फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, वो
वही फोर्स सिर्फ हम लोग जो है वो यहाँ पे काउंट करेंगे, उसके अलावा कोई भी फोर्स जो है वो यहाँ पे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोगों को बेटा जो है वो इतना कुछ जो है वो समझ में आ ही चुका है, जो हम लोगों ने लास्ट कॉन्सेप्ट अभी जो डिस्कशन किया था उसके रिस्पेक्ट में। ओके, चलो तो यहाँ पे सर हम लोग एक बता सकते हैं कि भाई ये m इंटू ए इज इक्वल टू हम लोगों को मिला f एक्सटर्नल, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या मिला f एक्सटर्नल, तो उसके फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो ऐसा हम लोग बता सकते हैं कि भाई इसके लिए हम लोगों को जो है वो सिस्टम की पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है उसका कोई नेचर भी यहाँ पे हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ओके, उसका नेचर भी हम लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो कौन सा नेचर है क्या है। ओके, और वो कौन से टाइप का जो है वो मोशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है, लाइक अगर हम लोग रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी जो है वो बच्चा पार्टी, रिजिड बॉडी में आप लोग दो तरह से जो मोशन है वो परफॉर्म करते हुए बता सकते हो, वो मोशन हो सकता है आइधर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। ओके, अगर फिक्स कोई पॉइंट दिया हुआ है, पाइवोट किया हुआ है वो सिस्टम को, तो उसका जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा ओनली। बट अगर आप लोगों ने वो सिस्टम को जो है वो पाइवोटेड नहीं किया हुआ है, कोई पॉइंट पे आपने उसको फिक्स नहीं किया है, तो वो जो मोशन होगा आपका बच्चा पार्टी, वो मोशन कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल तो होगा ही होगा, बट आपके पास वो मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन भी होगा। ओके, जिसको हम लोग नॉर्मली बताते हैं रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों होगा, जो हम लोगों ने आगे डिस्कशन किया था अपने टॉप वाली जो थियरी थी उसमें, फिर पेडेस्टल फैन वाली या फिर जो अपने टेबल फैन वाली थियरी थी उसमें भी हम लोगों ने वो डिस्कशन किया हुआ था। ओके बच्चा पार्टी, चलो तो अब जो है वो आगे बात करते हैं कि अगर अपनी बॉडी जो है वो मोशन कंडीशन में है, अपनी बॉडी जो है वो कौन सी कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में। अब बॉडी मोशन कंडीशन में है तो उसका जो मास ऑफ या फिर सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, तो बॉडी अगर जो है वो टोटल पूरी बॉडी मोशन कंडीशन में है तो वो पूरी बॉडी नो डाउट वो मोशन कंडीशन में है, बट उसका सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा, तो सेंटर ऑफ मास वो बॉडी का होगा कि जहां पे टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ होता है, ऐसा हम लोगों को मिल सकता है। और एक चीज की सर ऐसा कुछ हुआ तो अगर पूरी बॉडी जो है वो मोशन कंडीशन में है बट वो मोशन करते करते वो बॉडी जो है वो ब्रेक हो जा रही है, यानी कि सपोज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सपोज बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक बॉम्ब है, हमारे पास क्या है, पूरा एक बॉम्ब है। ओके, और वो बॉम्ब जो है उसका एक्सप्लोजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बॉम्ब जो है उसको हम लोग एक्सप्लोड करवाएंगे या फिर उसका एक्सप्लोजन होगा, तो एक्सप्लोजन होने के बाद उसके जो भी टुकड़े बनेंगे वो टुकड़े कहाँ पे जाएंगे उसकी अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, तो वो बात यहाँ पे हमको करनी है। और एक चीज बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रखनी है, वो क्या कि अगर न्यूटन्स का जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल है, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप लोग जो है वो पढ़ चुके होंगे बच्चा पार्टी कि वहां पे ऑलवेज जो है वो क्या हो रहा था, तो वहां पे ऑलवेज मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा था, कंजर्व हो रहा था। ओके, उसका मोमेंटम जो है उसका क्या हो रहा था, आपको ऑलवेज कंजर्वेशन मिलेगा 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 ही। ओके, तो जैसे भी कोई भी बॉडी हो वो बॉडी जो है वो चाहे कहीं से भी एक्सप्लोड क्यों ना हो, चाहे वो हवा में एक्सप्लोड हो या फिर नीचे जो है उसका एक्सप्लोजन हो रहा है अर्थ पे या फिर हवा में जो वो उड़ रही है तब उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, तो कोई भी कंडीशन में आप लोग अगर बात करो बॉडी जो है वो कोई भी कंडीशन में है और वो कोई भी कंडीशन में उसका जो है वो एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन होने के बाद उसके जो है वो टुकड़े ऐसे ही पड़ेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी जो पहले सेंटर ऑफ मास से मोशन कर रही थी वही सेंटर ऑफ मास से जाएगी। सपोज यहाँ से मैंने एक जो बॉम्ब है उसको हवा में फेंका है तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, इसको चलो बोल देते हैं ये अपने पास से बॉम्ब। ओके, और सर ये हवा में ही जो है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, तो हवा में एक्सप्लोजन होने के बाद इसके जो टुकड़े है वो ऐसे कुछ बनेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो पहले जो डायरेक्शन में था
वही डायरेक्शन में है, उसका जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करेगा, मोशन करेगा। पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो डायरेक्शन में था ऐसे, तो आफ्टर एक्सप्लोजन उसके जो टुकड़े बनेंगे और जो गिरेंगे वो सभी जो है वो ऐसे ही कोई डायरेक्शन में गिरेंगे कि जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो पहले वो मोशन कर रहा था जो डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मोशन सॉरी सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन करेगा। ओके, तो ये एक चीज जो है वो बेटा याद रखना, चाहे ऐसा नहीं है कि वो हवा में एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर वो जमीन पे भी एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पे भी एक्सप्लोजन हो रहा है, ये चीज जो है वो कॉमन ही रहेगी। लाइक अगर आप लोग बात करो कि आप लोग खेल रहे हो स्नूकर, ओके स्नूकर खेल रहे हो या फिर कैरम खेल रहे हो, तो कैरम में आपके पास होता है स्ट्राइकर, क्या होता है स्ट्राइकर। तो जब भी आप लोग स्ट्राइकर बेटा जो है वो मारोगे, कोई भी जो आपके पास सेकंड वन कोई आपके पास सिस्टम या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके सेकंड वन कोई सिस्टम या फिर कोई ब्लॉक ले लो, चलो कुछ भी जिसको हम लोग आई थिंक कुकरी बोलते हैं, कोई भी है वो, ओके इंग्लिश में क्या बोला जाता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जब उसको हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा कि वो कई सारी जो है वो अपनी सिस्टम में कई सारे जो अपने पार्टिकल्स है उसके साथ वो टच होते हुए जाएगी, बट वो टच होते हुए जाएगा, बट आप लोग इजीली जो है वो बेटा देख सकते हो कि स्ट्राइकर जो मूवमेंट में जाएगा और स्ट्राइकर की मूवमेंट क्या होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले जो था यानी कि पहले जो वो डायरेक्शन में जा रहा था वही डायरेक्शन में उसके सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, यानी कि सेंटर ऑफ मास की उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहेगी, एज सेम एज द डायरेक्शन बिफोर एक्सप्लोजन या फिर बिफोर जो है वो कोलिजन। ओके, तो कोलिजन पहले वो जो मास जो है वो जो डायरेक्शन में जा रहा था आफ्टर भी वही डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो वही सिस्टम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा पार्टी। तो वो हो गई अपना जो है वो सिस्टम सेंटर ऑफ मास वाला, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी चाहे एक्सप्लोजन हो कुछ भी हो। और वो क्यों चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ ये चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगी, मोमेंटम जो है वो क्या होगी कंजर्व होगी, यानी कि जो अपने इनिशियल मोमेंटम होगी बेटा क्या होगा, जो इनिशियल अपने पास जो मोमेंटम होगी वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो वॉल बॉडी सर एक ही थी, उसकी अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें और ये इसका बॉम जो है उसका मास है एम, और सपोज सोच लो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी। अब इसकी वेलोसिटी फर्स्ट वन जो उसका टुकड़ा बना उसकी वी वन, सेकेंड वन की वी टू और थर्ड वन जो है उसकी अगर वी थ्री है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपकी क्या होगी, एम इन टू वी इज इक्वल टू फाइनल क्या मिलेगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री। ये आपका जो फॉर्मूला मिल रहा है, ये फॉर्मूला के बेस पे आपके कई सारे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए। आपको कई बार जो है वो इसी के बेस पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी जा चुके हैं, इधर बोर्ड नीट जी सीपीएमटी एपीएमटी कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप लोग बेटा बात करो तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी के बेस पे जो है वो कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज, ये वाली चीज जो है वो कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी, कंपलसरी जो है वो आपको याद रखना है वो ये कि भाई टोटल मोमेंटम जो होगी वो क्या होगी, वो ऑलवेज कंजर्व होगी। ओके, टोटल मोमेंटम क्या होगी, ऑलवेज कंजर्व होगी चाहे वो सिस्टम कहीं पे भी क्यों ना एक्सप्लोजन हो। ओके, और वो उसके जो टुकड़े बनेंगे उसके जो पार्ट्स बनेंगे वो पार्ट्स भी उसके जो मास है वो मास के रिस्पेक्ट में वो सभी पार्ट्स की जो वेलोसिटी है वो सभी पार्ट्स की वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये जो है वो आप लोगों को बच्चा पार्टी इजीली जो है वो याद रखना है। ओके, चलो अब न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें तो इसके फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो सर न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि भाई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीटी। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी बाय डीटी। बट सर अगर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रही है, मोमेंटम जो है वो क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है,
अगर मोमेंटम कंजर्व हो रही है, क्या हो रहा है? मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन कब होगा? कि जब हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम या फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं भाई, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगी? सेम। यानी कि बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होनी चाहिए वो मोमेंटम क्या होगी? तो बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जो है वो अपनी मोमेंटम होगी, वो सेम मोमेंटम होगी। ओके, उसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम जो है वो हमारी क्या हो रही है? इक्वल हो रही है या फिर सेम हो रही है। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रही है, तो ये जो है उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मोमेंटम जो है वो क्या हो रही है? कॉन्स्टेंट। अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो ये एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट जो है उसका डेरिवेशन क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज जीरो मिलेगा। कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन जो है वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो ये अपना जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा हुआ है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, तो उसके फॉर्म में भी हम लोग बता सकते हैं कि भाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटेंडेड टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो अपना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो अपने अपनी जो पार्टिकल की सिस्टम है वो पार्टिकल की सिस्टम के लिए भी हम लोग उसको जो है वो यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए भी क्या हो गया? यूजेबल हो सकता है। ओके बच्चा पार्टी, तो उसको इजीली जो है वो फॉर्मेट में याद रखना। ओके चलो आगे जब बढ़ते हैं इसको, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो पार्टिकल की उसको आगे बढ़ाते हैं। बेटा यहाँ पे जो है वो अगर आप लोग देखो तो मैं आपका जो पार्ट आगे वाला अपना जो सेशन था उसमें, ये वाला जो सेशन है उसमें मैं पूरा पार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली लेके जा रहा हूँ। यानी कि 7.2 आपका जो सेंटर ऑफ मास था वो, उसमें एक जो डेरिवेशन वाला इंटीग्रेशन वाला जो आपका पार्ट है वो पार्ट मैंने अभी बाकी रखा है, वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, तो आगे डिस्कशन कर लिया था। ओके, अब यहाँ पे भी वही डिस्कशन कर रहे हैं, तो और आगे इसको थियरी को लेके जाते हैं। लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है उसी की बात कर रहे हैं। तो यही थियरी जो है उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। ओके चलो, तो इसको मैं सिर्फ जो ये फिगर है बीच में एक आया था कॉन्सेप्ट, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है वो। और एक चीज अगर आप लोग पूछा जाए कि अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, कोई भी अपने पास केमिकल बॉम्ब है, वो केमिकल बॉम्ब या फिर कोई भी बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हो रहा है तो किसके थ्रू होगा? तो उसका एक्सप्लोजन होगा ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉम्ब। ओके, तो बॉम्ब के अंदर जो है वो अपना केमिकल मटेरियल जो भी है, वो केमिकल मटेरियल में जो चेंजेस होगा, वो चेंजेस होने की वजह से अंदर ही अंदर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होगी, और वो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होने की वजह से उसका क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। ओके चलो, तो अगर हम लोग बात करें आगे कि लीनियर मोमेंटम जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये कब होगा? जब अपना पी जो है वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट। सो देट क्या होगा? व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, सो दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, तो ये भी हम लोगों ने वैसे तो चैप्टर नंबर 5 में ही डिस्कशन कर लिया था। चलो आगे बात करते हैं कि इंटरनल फोर्सेस हम लोग यूज, आगे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई इंटरनल फोर्सेस क्या लग रहा है, वो इंटरनल फोर्सेस पे हम लोगों को कोई डिस्कशन नहीं करना है, बट ऐसे ही हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते ना। तो चलो अब जो है वो डिस्कशन करते हैं इंटरनल अपना जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस के लिए। सो दैट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन वन अनदर, कोई भी पार्टिकल्स है वो सेकंड वन पार्टिकल पे क्या कर रहा है? जो है वो फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स के थ्रू अगर हम लोगों को उसकी जो है वो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है, तो वो हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा। बट इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, सो दैट द सेंटर ऑफ मास विथ अ मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये क्या हो जाएगा कि भाई उसकी जो वेलोसिटी है वो अब क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करेगा? मोशन करेगा। कब? जब उसका जो टोटल मास जो है या फिर जो सेंटर ऑफ मास जो है
या फिर टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तब। अब ऐसा कुछ हो रहा है कि सिस्टम पे सभी डायरेक्शन में से सेम फोर्स जो है वो लग रहा है। अब क्या हो रहा है, अपने पास जो सिस्टम है वो सिस्टम में सभी डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो क्या होगा कि अगर सभी डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है तो उसका नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, पी जो है वो कॉन्स्टेंट। अगर पी कॉन्स्टेंट है तो सर पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो पी इज इक्वल टू होगा एम इंटू वी, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम। ओके, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम। सो देट हम लोग बोल सकते हैं कि अपना ये जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। चलो, सो आगे जो है वो डिस्कशन करते हैं ये लीनियर मोमेंटम के बारे में। सपोज ऐसा सोच लो कि हमारे पास जो है वो एक रेडियम का जो एक एटम्स है। ओके, आपके टेक्स्टबुक का जो एग्जांपल है वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये रेडियम का हमारे पास जो है वो एक एटम है वो, और एटम जो है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले कहां पे होगा, यहां पे होगा, ये लाइन पे। ओके, और आफ्टर एक्सप्लोजन, आगे हम लोगों ने डिस्कशन किया, आफ्टर एक्सप्लोजन जो है वो सेंटर ऑफ मास कहां पे जो है वो मोशन करेगा, तो सेंटर ऑफ मास पहले जो डायरेक्शन में मोशन कर रहा था वही डायरेक्शन में मोशन करेगा, बट उसके जो डिफरेंट उसके क्या बनेंगे, टुकड़े पड़ेंगे, जो उसके डिफरेंट उसके पार्ट्स पड़ेंगे वो पार्ट्स ऐसे बनेंगे या फिर वो पार्ट्स के वेलोसिटी भी ऐसे होगी कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। ओके, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कॉन्स्टेंट, जो डायरेक्शन में पहले मोशन कर रहा था वही डायरेक्शन में जाएगा। जब आप लोग इसको ब्रेक डाउन करोगे तो यहां से ये ब्रेक होने के बाद इसके दो जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पड़ेंगे, एक होगा आपका हीलियम एटम्स और सेकेंड वन जो है वो आप लोगों का बनेगा रेडॉन। ओके, ये क्या हो गया, ये जो है वो अपना है रेडॉन। ओके, ये क्या है, हीलियम। ओके, जो रेडियम जब होगा, रेडियम जो है उसको आप लोग स्प्लिट करोगे या फिर वो अपने आप जो है वो क्या हो रहा है, उसका एक्सक्लूजन हो रहा है। ओके, देन आफ्टर जो रेडियम न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद रेडॉन और अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। ये हीलियम, यस, हीलियम का न्यूक्लियस यानी हीलियम को हम लोग सेकेंडली क्या बोलते हैं, अल्फा। बेटा एक चीज याद रखना, हीलियम न्यूक्लियस जो है वो, बेटा हीलियम का न्यूक्लियस ही आपके पास जो है वो अल्फा पार्टिकल है। ओके, तो ये चीज जो है वो बेटा कंपल्सरी याद रखना, अपना हीलियम न्यूक्लियस है वही अपना कौन सा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस जो है वही अपना अल्फा पार्टिकल है। ओके, सो क्या होगा, फोर्सेस जो है वो लीडिंग करेगा डीके होने के बाद इंटरनल टू द सिस्टम एंड एक्सटर्नल फोर्स जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो बिफोर एंड आफ्टर डीके क्या हो जाएगी, सेम। ओके, सो दैट द रेडॉन न्यूक्लियस एंड अल्फा न्यूक्लियस मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अलोंग, ओके, इन सच वे दैट देयर सेंटर ऑफ मास मूव्स विद द सेम डायरेक्शन। हीलियम एंड रेडॉन जो है वो ऐसे कोई डायरेक्शन में वो जाएंगे कि वो दोनों का एक्सप्लोजन होने के बाद भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वही सेंटर ऑफ मास पे वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग में उसका जो सेंटर ऑफ मास था वही सेंटर ऑफ मास से वो आगे बढ़ेगा। ओके, चलो, तो ये था अपना एक्सप्लोजन या फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, इसमें भी अभी जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट बाकी बचा है, वो कॉन्सेप्ट अब अपने नेक्स्ट जो अपना सेशन आएगा वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और इसका और एक कॉन्सेप्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास के लिए बाकी बचा है बेटा, वो कॉन्सेप्ट और ये लीनियर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट वो भी थोड़ा थोड़ा जो है वो बाकी बचा है। दोनों को एक साथ कंबाइन करके नेक्स्ट अपना जो क्लास आएगा या नेक्स्ट अपना जो वीडियो सेशन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो अभी वाला ये जो वीडियो सेशन है उसमें यहां तक रखते हैं, बाकी का जो है वो
नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन कर लेंगे। ओके बच्चा पार्टी, सो अभी तक के लिए इतना रखते हैं बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट अपना जो सेशन आएगा उसमें।